जी सलाम अलैकुम। अच्छा जी, सवाल था कि ये शेडो किस तरह आएगा। चलिए देखते हैं। मैं ये शेडो जो हमने ऑलरेडी बनाया था इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और देखें इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। एक तो हम इस पहले इस लेयर पे आ जाते हैं, ये लेयर 4 है, कंफर्म कर लें। हाँ जी, लेयर 4 है। और कंट्रोल प्रेस करें या कमांड प्रेस करें, मैक में कमांड। और देखें जब हम इसको, मैं जूम कर रहा हूँ, मैं फिंगर यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इस लेयर पे है ना ये हमारा, इसको शेडो बनाना है बिल्डिंग को। तो जब हम कंट्रोल प्रेस करेंगे या कमांड प्रेस करेंगे तो देखें ये सिलेक्शन क्या आ रहा है, इस फिंगर के साथ, हैंड के साथ ये एक सिलेक्शन का साइन आ रहा है, ठीक है। तो आप कंट्रोल को प्रेस करके रखें, देन अपने माउस से नॉर्मल क्लिक कर दें, जस्ट लेफ़्ट क्लिक कर दें, तो ये क्या होगा, आपकी सिलेक्शन बन जाएगी जो लेयर आपने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको चाहें तो आप फैदर कर लें 1, ठीक है। आपको सिर्फ के फैदर कहाँ से होगा, ये भी जो है ना, आपको रिमाइंड हो जाएगा। दोबारा सेलेक्ट में जाएंगे और मॉडिफाई में फैदर, ठीक है, हम 1 फैदर कर रहे हैं, 1, ठीक है। देखिए फैदर अदरवाइज हम कहाँ से करते हैं, सिलेक्शन बनाते हैं, हम यहाँ से फैदर करते हैं ना, इसमें यहाँ 0 है, हम बढ़ा लेके, हम यहाँ से जब हम फैदर करेंगे, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है डजेंट मैटर, यहाँ से जब इस तरह यहाँ से करेंगे ना हम, तो वो क्या होगा, उसको 0 ही काउंट करेगा। फर्स्ट करें मैं यहाँ इसको, मैं 100 कर दूँ, 50 कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी डी सेलेक्ट, और जब मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ और इसके ऊपर एक लेयर बनाऊँ और आउटर बैक स्पेस करूँ, कोई फैदर हो रहा है, फैदर नहीं हो रहा ना, देखें कोई फैदर नहीं है, सॉलिड आ रहा है, अंडू किया मैंने। अब अगर मैं सिलेक्शन यहाँ से बनाता हूँ, मार्की टूल से बनाता हूँ, ठीक है, और अब मैं आउटर बैक स्पेस करूँगा तो देखें क्या आ रहा है, इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और अगर आप जब यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे, बनाने के बाद इसमें फैदर नहीं है, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट में जाके फैदर अप्लाई करना है, सेलेक्ट में, मॉडिफाई में, और ये फैदर, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है, ये फैदर कहाँ अप्लाई होगा, ये जब हम यहाँ से मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, यहाँ फैदर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस सिलेक्शन में अप्लाई होगा। या मैं लैसो से करता हूँ, लैसो पे आया तो ये 0 आ रहा है फैदर, तो यहाँ भी ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, यहाँ फैदर की अलग ऑप्शन आ रहा है, मॉर्क्यू का अलग ऑप्शन है, लैसो का अलग ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँ, एक ये भी तरीका ना, मैं इस लेयर पे आता हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया था, इस सिलेक्शन, इस ऑब्जेक्ट के अराउंड में सिलेक्शन बना लूँ और कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और अप एरो डाउन एरो कर दूँ, तो क्या होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मगर ये भी फैदर नहीं है, ठीक है। गो कि हमने बनाया मॉर्की टूल से ही है, मगर फिर भी ये फैदर नहीं आएगा, जब हम इस तरह ड्रैग करके बनाएंगे तब ये वाला फैदर अप्लाई होगा, ठीक है। और जब ये वाला फैदर अप्लाई होगा तो वो उसके एजेस कर्व होंगे, ठीक है, तो यहाँ देखें बिल्कुल लीनियर आ रहा है ना ये, तो अब यहाँ जब इस तरह आ रहा होगा तो हम क्या, किस तरह उसको फैदर करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई और फैदर, और 1 कर लेते हैं इसको, 1 फैदर, ठीक है। और एक और लेयर बना लें, मैंने एक और लेयर बना ली थी, लेयर 1, लेयर 11 सॉरी, और इसको फिल कर लेते हैं। अब वहाँ जब मैं होता हूँ क्लास में, तो आपसे मैं पूछता हूँ जी फिल बताएं किस तरह करेंगे, ठीक है, अब मैं यहाँ पूछूँगा तो बता देंगे आप लोग जी, बताएं किस तरह फिल करूं। अच्छा जी, फिल के लिए आउटर बैक स्पेस, ठीक है, आउटर बैक स्पेस से फिल कर लेते हैं। और दूसरा तरीका आपको पता है कि आप यहाँ मार्कर टूल पे आ जाए, उस पर आ जाएं, अपने ग्रेडिएंट टूल, पेंट टूल आ रहा है, पेंट बकेट, यहाँ से हम पोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पेंट बकेट पर जब मैं आया हूँ तो ये बकेट शो नहीं कर रहा है, ये प्लस का साइन शो कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये प्लस का साइन आ रहा है, पेंट बकेट का साइन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज़ हमने कैप लॉक ऑन किया हुआ है, कैप लॉक अगर ऑन होगा तो ये आपके टूल्स जो है ना, वो इस तरह, इसी तरह टूल टूल नज़र नहीं आएगा, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। इवन मैं अगर फर्ज करें पेन टूल पे आ जाऊँ, तो यहाँ पेन टूल नज़र आना चाहिए ना, पेन टूल नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है, बिकॉज मार्कर टूल जो आपका जो कैप लॉक है वो ऑन है, कैप लॉक को हम ऑफ कर लेते हैं, देखें पेन टूल नज़र आ रहा है। इसी तरह अब हम अगर बकेट पे आ जाएँ, सही बकेट नज़र आ रहा है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि हमें टूल नज़र क्यों नहीं आ रहा, तो वो आपका कैप लॉक ऑन होगा, अगर वो ऑन है भी तो परफॉर्म वो उसी तरह करेगा, डजेंट मैटर, को मसला नहीं है अगर ऑन है भी तो, ठीक है। खैर एनी वे, मैं इसको अप्लाई करता हूँ कलर,
ब्लैक कलर अप्लाई करूँ, ब्लैक कलर यहाँ आ रहा है ना। अच्छा ब्लैक कलर यहाँ किस तरह आएगा, अगर फ़र्ज़ करेंगे कोई और कलर है, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। अब मुझे इमीजिएट यहाँ ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है। इमीजिएट ब्लैक कलर लेने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने डिफ़ॉल्ट कलर चूज़ करना होगा। डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा, ये देखिए यहाँ आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ब्लैक ऊपर है वाइट नीचे, ये डिफ़ॉल्ट कलर है। जस्ट यहाँ क्लिक कर दें, या डिफ़ॉल्ट कलर के लिए देखें आगे शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में डी लिखा हुआ है ना, या जस्ट डी डी हिट कर दें, कंट्रोल ऑल्ट कुछ भी प्रेस नहीं करना, जस्ट डी प्रेस करना है। देखिए मैं डी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से अपने, ना शॉर्टकट नज़र भी आएगा आपको, डी देखिए डी नज़र आए, हो गया ब्लैक एंड वाइट। तो ऊपर जो फोरग्राउंड कलर है वहाँ कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर में वाइट, ठीक है। अगर मैं स्वाइप करने चाह रहा हूँ यहाँ से स्वाइप कर सकते हैं कलर, इनके ऊपर आप वाइट को लेकर आ जाए, नीचे ब्लैक हो गया, यहाँ से स्वाइप हो रही है, ठीक है। अच्छा स्वाइप करने की शॉर्टकट क्या है, देखें स्वाइप फोरग्राउंड में बैकग्राउंड कलर, और इसकी शॉर्टकट एक्स नज़र आ रही थी, एक्स एक्स से देखिए मैं एक्स कर रहा हूँ, स्वाइप हो रही है कलर, ठीक है, एक्स से स्वाइप हो रहा है कलर, अप डाउन हो रहा है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कलर ये आपका ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। खैर एनी वे मैंने ब्लैक कलर चूज़ कर लिया है, और मैं कलर इसमें पोर कर रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक आ गया। अच्छा जी अब मुझे इसको लेकर आना है नीचे, अब सिलेक्शन का काम ख़त्म हो गया, मैं कंट्रोल डी कर सकता हूँ, कंट्रोल डी डी सेलेक्ट, या इसी मार्कर टूल से, एलासी टूल से बाहर हिट कर दें आप, ठीक है। और मूव टूल से ज़रा इसको नीचे लेकर आ जाएं, भाई लेयर तो नीचे है इसके, लेयर ऊपर कैसे आएगी जी। देखें एक तो तरीका ये है, इसको हम होल्ड करें लेयर को और उठा के ऊपर ले जाएं, ठीक है। और दूसरा तरीका शॉर्टकट है, शॉर्टकट मैंने बताया था याद होगा आपको, कंट्रोल और राइट ब्रैकेट, ठीक है, पी के साथ जो ब्रैकेट आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, तो कंट्रोल या कमांड अगर मैक में है तो कंट्रोल प्रेस करें, राइट ब्रैकेट से देखें वन बाय वन ऊपर जाएगी लेयर, देखिए मैं लेयर को जूम कर रहा हूँ, ठीक है, 11 है ना, लाइन 9 के नीचे है, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, देखें 9 से ऊपर चली गई, ठीक है, ये ऊपर जा रही है वन बाय वन। और अगर आपने इमीजिएट टॉप लेकर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट कर देंगे, तो इमीजिएट फोर बिल्कुल टॉप टॉप पे पहुंच जाएगी ये, ठीक है। लेट्स सी करके देखते हैं, देखें अभी इसके ऊपर कितनी लेयर्स हैं, अभी इसके ऊपर देख रहे हैं आप, एक मिनट, ये हमारी लेयर 11 है, और ये कितनी सारी लेयर्स हैं। अब जब इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट करता हूँ तो इमीजिएट टॉप पे आ गई, इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से क्या होगा, एक्सट्रीम बॉटम पे आ जाएगी है, ठीक है, मगर बैकग्राउंड से ऊपर, बैकग्राउंड से नीचे नहीं जाएगी, बैकग्राउंड से ऊपर आएगी, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसको मैं लेयर जीरो को, इसको बैकग्राउंड को लेयर वन कर दूंगा या जीरो कर दूंगा फिर उसके नीचे चली जाएगी, इसीलिए मैंने बताया था शुरू में आपको कि हम बैकग्राउंड पर ना तो काम करते हैं ना ही इसको अनलॉक करते हैं, ठीक है, इसको बैकग्राउंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको टॉप पे ले आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप पे आ गई, और ये मेरा जो है ना वो शेडो आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब शेडो में ये जो है ना, ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं होना चाहिए ना भाई, ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग है भाई, ट्रांसपेरेंट बिल्डिंग थोड़ी होती है। तो इसको हम फिल करने के लिए क्या करेंगे, फिल करने के लिए हम लैसो से या मॉर्क्यू टूल से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, मॉर्क्यू से कर लेते हैं, इसका फैदर ज़ीरो करें, ठीक है, ड्रैग कर लें या टाइप कर लें, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं अल्ट्रा बैक स्पेस, ठीक है। आपका भी कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या चैट में पूछ लें, या वॉइस कर लें। अच्छा जी अब ये शेडो हम इसके बिल्डिंग का लेकर आ गए यहाँ पर, और अब ये तो बहुत सॉलिड आ रहा है, ठीक है, इसको अगर हमें लाइट करना है, और दूसरा ट्री के ऊपर भी आ रहा है, कोई बात नहीं, ट्री के नीचे बाद में करते हैं, पहले इसको हम लाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। लाइट करने के लिए इस लेयर की ओपेसिटी पे आएंगे, ओपेसिटी आ रही है अभी 100% ओपेसिटी नज़र आ रहा है, ओपेसिटी आ रही है, ये 100% है, इसको हम कम कर सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है, ये मैं कम करता हूँ, देखें ठीक है, अराउंड 50 मैंने कर लिया, इसको 50 हो गई। अच्छा अब ये यहाँ से सॉफ्ट होना चाहिए था ना, ये सॉफ्ट नहीं है, तो इसके दो तरीके हैं सॉफ्ट करने के, या तो मैं एरिया सेलेक्ट करूँ फैदर के साथ और डिलीट कर दूँ, या फिर मैं इरेज़र टूल लूँ, इरेज़र टूल लेने के साथ सॉफ्ट इरेज़र लूँ, ठीक है, और इसको इरेज कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लें राइट ब्रैकेट से, ठीक है, और हमें मज़ीद सॉफ्ट करना चाहिए इसको, मज़ीद सॉफ्ट कर लें आप,
ठीक है, अभी भी इसके नीचे थोड़ा सा डार्क है, तो इसको हम और लाइट कर लेते हैं, 50 की जगह 30 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है इसमें, गौर से देखें, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये जो शेडो है ना इस बिल्डिंग पे भी आ रहा है, मैं पी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ ये बिल्डिंग पे भी आ रहा है, ये मुझे रिमूव करना है, बिल्डिंग पे से रिमूव करना है, और इस ट्री के पीछे भी लेकर जाना है हमें, तो पहले ट्री के पीछे ले जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं भी, ट्री के नीचे ये वाला जो है हमारा, ये ट्री है इसके अंदर हमारी, ये वाली ट्री, और ये इसके नीचे आ रही है, तो हम इसको उठा के इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है। आ गया, अब ट्री ऊपर आ गई हमारी। अच्छा, अब ये जो शेडो बिल्डिंग पे आ रहा है, ये इसको और सॉफ्ट करना है, देखें अभी भी मज़ीद सॉफ्ट कर सकते हैं, रेज़र टूल है, इसको मज़ीद आप सॉफ्ट की तरफ जाएं, इसको बड़ा करें साइज़, और ये सॉफ्ट, एक तो ये तरीका है, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, अंडू करके दोबारा बताता हूँ पहले, मगर ये हम यहाँ से ज़रा ये इरेज़ कर लें, ये जो बिल्डिंग पे आ रहा है ये किस तरह इरेज होगा, हम जाते हैं ये जो ग्रास वाला हमारा लेयर है ना, ये वाली लेयर, राइट क्लिक करें, और लेयर थ्री यही है, आगे लेयर थ्री पे, और इसे भी सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करो, यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं, सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी शेडो वाली लेयर पे, लेयर 11, ठीक है, ये आ गए, देखें श्योर कर लें इसी पे ना। अभी अगर मैं डिलीट करूँगा, मैं डिलीट करके देखते हैं, डिलीट बैक स्पेस, तो क्या हुआ जी, शेडो यहाँ जो आ रहा था ये रिमूव हो गया। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था, अंडू करता हूँ, मैंने ये डिलीट कर दिया ना, मुझे ये तो डिलीट नहीं करना जो ग्रास के ऊपर है, जो ग्रास के ऑपोजिट है बिल्डिंग पर है, ये डिलीट करना है, तो क्या करूँगा, सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूँ, उल्टा कर दूँ, कहाँ से होगा जी, कोई बच्चा बता सकता है ये इन्वर्स किस तरह होगी सिलेक्शन? सेलेक्ट वेरी गुड, सेलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्स सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट है, देखिए सिलेक्शन उल्टी हो गई, यहाँ आ गई, पहले ये सिलेक्ट था और ये डी सिलेक्ट था, अब ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं रिमूव करूँगा तो क्या रिमूव होगा, ये शेडो का ये वाला एरिया, देखिए मैं इसको जूम करके रिमूव करता हूँ, शेडो इस बिल्डिंग पे आ रहा है ना यहाँ पर, तो मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस से यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है जी, कितना आसान है। अब कंट्रोल डी डी सेलेक्ट, आ गया शेडो। चले अब दूसरा तरीका देखते हैं शेडो का ना, मैं अंडू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है जी, बहुत सारा अंडू करना पड़ रहा मुझे जी, कितना टाइम अंडू कर सकता हूँ, ये कोई बचाएगा बच्चा मुझे जी? चले इसको भी देखते हैं हम, कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के या कमांड के मैक में, कंट्रोल के, कंट्रोल के करने से उसके बाद हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे आ जाएं, और यहाँ पर हमने हिस्ट्री स्टेटस दिया हुआ है 30, ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 50 होगा, मैंने 30 किया हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर वो रैम में रखेगा तो वो आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है, अदरवाइज आप इसको बढ़ा दें 1000 भी कर सकते हैं, मगर फिर क्या होगा, आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा, तो मैंने सेफ साइड 30 किया हुआ है, 25 कर लें, 30 कर लें, इससे ज़्यादा अंडू नहीं करना होता, ठीक है। तो कंट्रोल क्या किया मैंने, कंट्रोल के या कमांड के मैक में, और प्रेफरेंस पे आ गए, जनरल, अब जाके परफॉर्मेंस पे आ जाएं, यहाँ जाके हमने इसको 30 कर लिया है, ठीक है, तो 30 टाइम बैक जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये इरेज करना है, एक तो मैंने क्या किया था, इरेजर से किया था, दूसरा मैंने बताया था आपको मॉर्की टूल से कर सकते हैं, मॉर्की टूल लेते हैं, फैदर 0 है अभी, यहाँ मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ इतना, और इसको फैदर अप्लाई करना है, सेलेक्ट में जाएं, 45 फैदर 25 कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और डिलीट दबाएं, हो गया, ठीक है। और अब यहाँ जाके हम इसकी ओपेसिटी और कम कर दें, ठीक है, अब वो दोबारा इन वो हमने करना होगा बिल्डिंग पे जो आ रही है, राइट क्लिक करें, वी प्रेस किया मैंने, राइट क्लिक किया, लेयर 3, कंट्रोल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, इन्वर्स कंट्रोल शिफ्ट आए, सेलेक्ट में जाके इन्वर्स, और डिलीट प्रेस कर देंगे हम, हो तो डिलीट नहीं हुआ भाई, शेड्यूल डिलीट नहीं हुआ, क्या मैंने गलती की है, मैं देखें डिलीट दबा रहा हूँ और शेडो डिलीट नहीं सर, हुआ, आपने ले शेडो की लेयर नीचे रख वेरी दी है। गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा, हम उस लेयर पे नहीं है, देखिए कौन सी लेयर पे, हम ग्रास वाली लेयर पे हैं, तो वो लेयर हमारी कौन सी, 11, जाएं 11 को सेलेक्ट करें,
GR11, ठीक है। अब आप रिमूव कर दें, ठीक है। और अब वही हमें नीचे लेकर आना है ग्रास के ट्री के नीचे, इसको नीचे ड्रैग कर लें, ठीक है। बेटा किसी का माइक को लाइए, बंद कर लें प्लीज़, ठीक है। तो ये तरीका है आपका शेडो का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।